Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are fine and happy and also enjoying raining. Yes, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, cloudy सा, और बारिशें वक्फे से हो रही हैं. तो जैसे ही अभी हमारे घर की तरफ बारिश शुरू हुई, मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊं अपने घर से बारिश होते हुए, क्योंकि आप लोग रोज़ाना अपने अपने घरों से बारिश देखते होंगे. और लेकिन मैंने कहा क्यों ना मैं भी आपके साथ शेयर करूं. और आज मैं आपके साथ अपनी एक रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि बहुत ही अच्छी रेसिपी है. और जैसे कि अगर आप लोगों का कभी दिल नहीं चाहे बिरयानी बनाने का, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं. इट्स नॉट अ बिरयानी, इट्स अ ताहिरी, और इसको लाल ताहिरी कहा जाता है. इसको लाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जिनसे मैंने ये रेसिपी सीखी थी, तो वो इसके अंदर फूड कलर भी डालती हैं, लेकिन मैं इसके अंदर फूड कलर नहीं डालती. मैं कहा एसिड कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना फूड कलर के भी खा सकते हैं, क्योंकि फूड कलर सिंपल इसके अंदर इसलिए डाला जाता है ताकि वो उसकी जो रंगत है वो लाल आए. सो इसके लिए ऑब्वियसली एज यूजुअल आप सिर्फ अनियन लें और अनियन को काट के ऑयल में फ्राई करें अनटिल इट ब्राउन. और जब ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर आप ऑल आपका जो गरम मसाला जो होता है, साबित गरम मसाला, ज़ीरा, लौंग और बड़ी इलायची, और आपके जो काली मिर्च होती हैं वो, और प्लस देन यू हैव टू ऐड अदरक लहसुन, जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं हर सालन को चढ़ाने में, हर डिश को बनाने के लिए. एंड देन आई पुट ऑल चिकन. अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ये चिकन को वन बाय वन डाल रही हूँ, क्योंकि मैं चिकन जब भी बनाती हूँ, चाहे वो चिकन कढ़ाई हो, चिकन हांडी या वट एवर, चिकन कोरमा हो, तो मैं बोटियाँ गिन के डालती हूँ. एटलीस्ट हर किसी के हिस्से में एटलीस्ट 2-2 या 3-3 बोटियाँ आएँ, पीसेस आएँ, तो इसलिए मैं इस तरह डाल रही हूँ. एंड देन इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड पोटैटोज सो यू कैन, बट इफ़ यू डोंट सो डोंट बी, आप मत ट्राई करें. लेकिन मैं ज़रूर आलू इसमें डालती हूँ, क्योंकि आलू मुझे बिरयानी में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और फिर ये तो एक नॉर्मल दाहिरी है, तो इसके अंदर भी मुझे आलू बहुत अच्छे लगते हैं. एंड देन हमें टमाटोज चाहिए. टमाटोज को ऐसे रफली आप काट दें, और देन यू हैव टू ग्राइंड दीज ऑल टमाटोज इन अ स्मूथ पेस्ट. और पेस्ट करने के बाद फिर ये सारा का सारा जो पेस्ट ऑफ टमाटोज है, ये आप उस चिकन के अंदर डाल दें, और फिर अच्छी तरह इसको भूनें. भूनने के बाद आपके आपको इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना होगा, और फिर उसको हल्की आंच पे रख दें. सिंपल. सो सॉरी, द मेन इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको बताना भूल ही गई हूँ. जी, टमाटो पेस्ट के बाद, और जब आपको उसको थोड़ा सा खुश करना है, और खुश करने के बाद आप उसके अंदर आपको 2 teaspoon आपको टर्मरिक डालनी है, यानी हल्दी डालनी है. देन यू हैव टू ऐड 2 or 2.5 teaspoon ऑफ रेड चिलीज, यानी लाल मिर्चें, और नमक हस्बे जायका. यस, तो ये तो मेन इंग्रेडिएंट्स तीन जो कि मैं बताने ही भूल गई. और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह भूनें, और फिर इसके अंदर पानी डाल के हल्की आंच पे रख दें अंटिल इट टेंडराइज्ड. ओके,
जी, जैसे कि आप लोग अब देख रहे हैं कि अब मैं निकाल रही हूँ राइस। जी हाँ, मैं अप्रॉक्स 3 mugs ऑफ राइस निकाल रही हूँ। अब वो आपकी मर्जी है कि आप इसमें 4 mugs भी ले सकते हैं और 5 mugs भी ले सकते हैं। सब टू यू कि आपको कितने राइस बनाने हैं। वैसे मेरी फैमिली के लिए यहाँ से 3 mugs आर इनफ। और ये जो है, मैं 2 किस्म की राइस लेती हूँ, एक बिरयानी वाले, एक नॉर्मल वाले। नीचे जो है वो नॉर्मल राइस है, जो नॉर्मल आपके वाइट राइस बनते हैं, और जो ऊपर शॉपर में रखे हुए हैं वो जो है मेरे ख़ास बिरयानी वाले राइस हैं। तो जिसमें मैं तहरी भी बना लेती हूँ और बिरयानी भी। तो फिर बाद में हम इनको अच्छी तरह वॉश करेंगे, और वॉश इतनी अच्छी तरह करेंगे क्योंकि इसमें से जो आपके जो कीड़े वाले चावल जो कहलाए जाते हैं, कि जिसमें कीड़े होते हैं, उन सुनते ही यही है कि वो चावल बहुत अच्छे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम भिगोते हैं और वॉश करते हैं तो उसमें से ये देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, तो ये कीड़े अच्छी तरह आप साफ़ करें और धोते जाएं जब तक ये कीड़े वॉश आउट ना हो जाएं। और फिर आप ये चावल इस स्टेज में आके ये चावल इसके अंदर आप डाल दें, और फिर आप पानी इतना डालें कि आप, मैं अपनी एक मेजरमेंट आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह उसको मेजर करती हूँ। यानी जब आप पूरे चावल डाल दें और पानी अपने अंदाजे से थोड़ा सा डालें, और फिर आप ये जो आपका राइस का जो स्पून है, यानी जो ये सर्विंग स्पून जो है राइस वाला, उसको डुबो के देखें, वो आधा डूबना चाहिए और आधा नहीं डूबना चाहिए। तो जब ये हो जाए तो ये समझ जाएं कि आपकी पानी की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सही है, और आप इसको हल्की आंच में रख दें। और फिर थोड़े से देर बाद, यानी अप्रॉक्स 15 to 20 minutes आप देखेंगे तो तहरी आपकी डन है। और फिर आप इसको रायते के साथ खाएं, या बिना रायते के साथ खाएं, या अचार के साथ भी खा सकते हैं। तो मज़े की तहरी तैयार। जी, और ये हो गई मज़ेदार सी लाल तहरी तैयार। ऑब्वियसली इसमें लाल कलर मौजूद नहीं है क्योंकि लाली इसमें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने इसमें फूड कलर नहीं डाला था। अगर आप इसमें फूड कलर डालना चाहें तो आप दम करने से पहले उसमें आप फूड कलर डाल सकते हैं, तो उसकी रंगत जो है वो लाल ही आएगी, तो जब ही इसको लाल तहरी कहा जाता है। एनीवे, इसको फिर आप बहुत मज़े से खाइए और बहुत ही मज़े की बनेगी। और आगे मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखा रही हूँ मेरी भतीजी की सालगिरह की। जी, जो कि कराची में होती हैं और उनकी पहली सालगिरह थी, तो इसलिए हमें कुछ एक स्पेशल ओकेजन करना था। तो ऑब्वियसली वो कराची में होती हैं, हम लाहौर में होते हैं, और बाकी मेरे जो पेरेंट्स हैं, यानी उनके ग्रैंड पेरेंट्स बाहर होते हैं, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि कुछ हम अलग और कुछ स्पेशल ओकेजन करें। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस तरह उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो आइए आगे देखते हैं कि हमने उनकी आगे कैसे बर्थडे सेलिब्रेट की। Happy birthday, Sakina! Happy birthday, Sakina! हजारों साल जियो, खुश रहो। हानी, तुम भी कह दो Happy birthday, Sakina! Bobo, Happy birthday again! Happy birthday! Have a good one! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, and the stars burning tonight.
जी, तो जैसे कि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है, यानी ऑनलाइन का ज़माना है, तो इसी तरह हमने सोचा कि क्यों ना उनकी बर्थडे भी हम ऑनलाइन सेलिब्रेट करें। तो ये थे सारे मैसेजेस उनके ग्रैंड पेरेंट्स और उनके सारे फैमिली की तरफ से, ये सारा मैसेजेस थे। और इसी तरह ये कुछ गिफ्ट्स थे और केक जो हमने उनको सेंड किए ऑनलाइन। और इस तरह से ये सब कुछ जो भी था, ये बहुत अच्छा सरप्राइज़ था उनकी मदर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सकीना तो अभी इतनी छोटी हैं कि उनको ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा। और जिसमें हमें भी बहुत खुशी हुई कि उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छा था, क्योंकि उनके पेरेंट्स के लिए सरप्राइज़ था। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, अल्लाह हाफिज। ओके, तो ये सभी बाजी ने भेजा है बनीन। देखो क्या भेजा। Happy birthday, dear Sakina. Happy birthday to you. Thank you.